एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्स रिसर्च और सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में। ये मार्केटिंग रिसर्च का एक सबसे अगला इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें हम अपनी फ्यूचर की प्रोजेक्टेड सेल्स का फोरकास्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर प्लान उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर सके और उनको फॉर्म कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सेल्स फोरकास्टिंग। A sales forecast is a projection of the expected customer demand for products and services at a specific company for a specific time and with certain underlying assumptions. किसी भी कंपनी की एक फ्यूचर में आने वाली जो कस्टमर्स की डिमांड है किसी पर्टिकुलर मार्केट के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, उसका एक पहले से अंदाजा लगाना, एक पहले से एक मान लगा लेना कि कितनी हमारी सेल्स होने वाली है फ्यूचर में, इसे ही सेल्स फोरकास्टिंग कहा जाता है। सेकंड है, सेल फोरकास्टिंग कैन हेल्प यू अचीव सेल्स गोल्स। सेल्स फोरकास्टिंग से आप अपने सेल्स गोल्स अचीव कर सकते हैं। जो आपने टारगेट रखा हुआ है अपनी सेल्स बढ़ाने का, अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ाने का, वो केवल एक सेल फोरकास्टिंग से ही आप पूरा कर सकते हैं। इससे आप पहले अंदाजा लगाते हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में क्या डिमांड होगी फ्यूचर में, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या जो है अपनी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना है। अगर फ्यूचर डिमांड ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, प्लांट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हमारी फ्यूचर में डिमांड कम होने वाली है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है नए नए प्रोडक्ट्स निकाल करके उस डिमांड को कैसे बढ़ाना है, ये सब बातें हम तभी तय कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी तभी बन सकती है जब हमें फ्यूचर में अपनी होने वाली सेल्स का एक एस्टीमेट अंदाजा हो। तो इस काम में सेल फोरकास्टिंग बहुत हेल्प करता है। थर्ड है, सेल फोरकास्टिंग कैन हेल्प ड्राइव सेल्स रिवेन्यू, इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन एंड रिड्यूस कॉस्ट। जितना भी हम बढ़िया सेल फोरकास्टिंग कर लेंगे, अपनी सेल्स को ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको रिटेन कर सकते हैं। जो कस्टमर्स हमारे जो हैं हमारे पास फ्यूचर में आने वाले हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स और वांट्स को, डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या क्या नया इंप्रूवमेंट्स करना है, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट लाइन में क्या चेंज करना है, क्या हमें जो है मार्केट में फ्यूचर में जो प्लान निकालने हैं जैसे डिस्काउंट प्लान वगैरह होते हैं, तो वो सब जो है हम इसी से कर सकते हैं जब हम एक अंदाजा लगा लें कि हमारी फ्यूचर में सेल क्या होने वाली है। फोर्थ है, सेल फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा एंड इट रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल एंड मैनेजमेंट साइंस टेक्निक। सेल फोरकास्टिंग जो होती है हिस्टोरिकल डाटा यानी पिछले डाटा के बेसिस पर तैयार की जाती है। पास्ट टाइम में, उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम पीरियड में, उसी सर्टेन कंडीशन में क्या कंपनी की सेल रही है, उसी का अंदाजा लेकर के नया फोरकास्ट किया जाता है। और इसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स और मैनेजमेंट साइंस टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। इसी के थ्रू हम एक सेल्स फोरकास्ट कर पाते हैं, अंदाजा लगा पाते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेल फोरकास्ट। अकॉर्डिंग टू American Market Association, an estimate of sales is physical units or monetary value for a specified future period under proposed marketing plan or program and under the assumed set of economic and other forces outside the organization for which the forecast is made. इस definition में भी यही बताया गया है कि sales forecasting अपनी sales का एक future डिमांड, एक पैटर्न जो है कंपनी निकालना चाहती है, तय करती है, पता करना चाहती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर मार्केट प्रोग्राम के लिए जिस पर्टिकुलर टाइम में वो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहती है। तो ये एक सेट है कंपनी की फोरकास्ट का जिससे ये पता करा जाता है कि कंपनी के फ्यूचर्स में सेल्स क्या होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। सेल्स कम होगी तो हमें क्या क्या प्लान, डिस्काउंट ऑफर्स निकाल के अपनी सेल को बढ़ाना है, और अगर सेल ज्यादा होगी तो कैसे हम उस डिमांड को पूरा करेंगे, उसके लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या क्या अपनी प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, वो सब हम इसमें एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। लेकिन ये कभी तभी कामयाब हो सकता है जब हम अपनी सेल्स का सही एस्टीमेट कर लें। तो सेल्स फोरकास्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेल फोरकास्टिंग। सेल फोरकास्टिंग को हम उनकी नेचर के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है फोरकास्ट विच कवर द पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। यानी जो सेल फोरकास्ट हम लेस देन वन ईयर यानी एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए करते हैं वो शॉर्ट टर्म सेल फोरकास्टिंग कहलाती है। शॉर्ट टर्म सेल फोरकास्ट आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ मटेरियल कंट्रोल लोडिंग एंड शेड्यूलिंग एंड बजटिंग। मेनली मटेरियल कंट्रोल लोडिंग एंड शेड्यूलिंग एंड बजटिंग इन कामों के लिए शॉर्ट टर्म सेल का फोरकास्ट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फोरकास्ट विच कवर द पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर 10 ईयर इन बिटवीन द ईयर्स आर टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। यानी जो सेल फोरकास्ट मोर देन वन ईयर के लिए किया जाता है वो लॉन्ग टर्म सेल फोरकास्ट में आता है। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्जिफिकेशन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग बजट्स कैपेसिटी प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म सेल फोरकास्ट हम मेनली इन कामों के लिए करते हैं कि कैसे हमें प्रोडक्ट का डाइवर्जिफिकेशन करना है, सेल्स और एडवर्टाइजिंग बजट हमें कैसे बनाने हैं फ्यूचर्स के लिए, क्या क्या उन पर इन्वेस्टमेंट करना है, कब कब किस किस टाइम में, कैपेसिटी प्लानिंग आने वाले फ्यूचर में क्या कंपनी की डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग प्लांट कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी को, ये सब प्लानिंग जो है सेल फोरकास्ट से ही जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट नीड फॉर सेल फोरकास्टिंग यानी सेल फोरकास्टिंग की जरूरत क्या पड़ती है हमें, आखिर हम सेल फोरकास्ट करना क्यों चाहते हैं। तो फर्स्ट है इसमें मेजोरिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द फ्यूचर सेल। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो फ्यूचर सेल्स पर डिपेंड होती हैं। सीधी सी बात है जितनी सेल्स होगी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो मेनली कंपनी की जो सारी एक्टिविटीज है वो सेल से ही कोरिलेट होंगी। अगर सेल कम होगी तो कंपनी की एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी, सेल ज्यादा होगी तो कंपनी की एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि पहले वो मार्केट में अपना जो है शेयर डिसाइड कर ले, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके अपनी स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में जाए ताकि उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे सेल फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द फ्यूचर असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मार्केट प्लानिंग प्रोग्राम। सपोज करिए हमें मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करना है, नई कंपनी की जो है और ज्यादा जो है ब्रांचेस खोलनी है, कंपनी की जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये जरूरत है नहीं है हमें। और इस जरूरत का पता हमें तभी चल सकता है जब हमें ये मालूम हो कि हमारी फोरकास्ट सेल क्या होगी आने वाले टाइम में, तभी उस इन्वेस्टमेंट को करने का फायदा होगा, तभी हम मशीनरी खरीदेंगे, तभी हम मार्केट प्लानिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सेल फोरकास्ट ही करें। तीसरा है इसमें टू शेड्यूल द प्रोडक्शन एक्टिविटी टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। इस सेल फोरकास्टिंग के थ्रू हम अपनी प्लांट कैपेसिटी का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आने वाले टाइम की सेल्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम अपने प्लांट की कैपेसिटी को कम या ज्यादा रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और उसी हिसाब से हम अपनी प्लांट कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फोरकास्टिंग इज गोइंग टू प्रोवाइड ए फ्यूचर ट्रेंड विच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट। और इसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड घटने वाली है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकने वाला है आने वाले टाइम में, तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उसका डिजाइन इंप्रूव कर सकते हैं, पैकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें इनोवेशन करके उस प्रोडक्ट को और अच्छा यूटिलाइजेबल बना सकते हैं ताकि मार्केट में उसकी डिमांड को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। लेकिन ये सब काम तभी होगा जब हम पहले से एस्टीमेट लगा लेंगे कि सेल हमारी कितनी होने वाली है। तो आज हमने पढ़ाया है कि सेल फोरकास्टिंग क्या है और सेल फोरकास्टिंग की नीड बिजनेस में क्या है। थैंक यू वेरी मच।